ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 14 नवंबर 87। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। इस समय हम घोर कलयुग में हैं। निराकार परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाकर संस्कार परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन होकर कलयुग से सत्युगी दुनिया बनेगी। सत्युगी दुनिया में जो आत्माएं होंगी वो 16 कला संपूर्ण आत्मा, दिव्य आत्मा होंगी। बाबा बता रहे हैं आज पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, सत्युगी दिव्य आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी क्षमा, रूहानी क्षमा, अपनी रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। निराकार परमात्मा, रूहानी क्षमा, सारे बच्चे रूहानी परवाने, रूहानी अर्थात स्पिरिचुअल, ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे, रूहानी आकर्षण आत्मा का परमात्मा के प्रति आकर्षण, ये रूहानी आकर्षण है। दुनिया में देह का आकर्षण होता है, देह अर्थात शारीरिक आकर्षण, रिश्तों का आकर्षण, नाम पोजीशन का आकर्षण, ये है आत्मा का परमात्मा के प्रति आकर्षण, तो स्पिरिचुअल रूहानी आकर्षण। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया के अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। वर्तमान समय दुनिया में कहते हैं कितनी अट्रैक्शंस है, कितनी डिस्ट्रैक्शंस है, तो बाबा कहते हैं इस आत्मा और परमात्मा का जो आकर्षण है इसके सामने दुनिया की सारी आकर्षण तुच्छ लगती है, असार लगती है, अर्थात मीनिंगलेस लगती है। क्योंकि जब हाईएस्ट चीज मिल जाती है तो उसके सामने जो छोटी छोटी चीजें होती है दुनिया की उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं जाती है, क्योंकि वो दुनिया की चीजें जिनके प्रति हमारी अट्रैक्शन थी वो भी किस लिए थी? हमें खुशी चाहिए थी, हमें शांति चाहिए था, हमें प्यार चाहिए था, वो ही तो ढूंढ रहे थे, चीजों में ढूंढ रहे थे, लोगों में ढूंढ रहे थे, जगहों में ढूंढ रहे थे, यहाँ जाएगा तो मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो मिलेगी, तो ढूंढ ही तो रहे थे ना। तो जो सब कुछ हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया एक परमात्म मिलन से, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों की अनुभूति होने लग गई। तो फिर जिन चीजों में उसके प्रति झुकाव था वो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाता है, वो खत्म करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः एक एक करके अपने आप खत्म होने लगता है। तो बाबा कह रहे हैं ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। ये रूहानी आकर्षण सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, सदा के लिए और अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। दुनिया के आकर्षण खुशी देते भी अगर हैं, हमें लगता है कि हमें इनसे खुशी मिलती है एक जन्म के लिए, उस एक जन्म में भी सदा के लिए नहीं। आज मिल रही है कल नहीं मिलती, आज कोई चीज से अच्छा लग रहा है कल उसी चीज से परेशान हो जाते हैं, आज वो चीज है तो खुश हैं, कल वो चीज नहीं रहती तो दुखी हो जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक सदा काल के लिए और अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली आकर्षण है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से
किनारा कराने वाली है, इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। अनेक प्रकार की दुख अशांति से दूर करने वाली है। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं, भगवान भी अपने बच्चों को देख हर्षित होता है। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के मस्तक पर बाबा आत्मा की ज्योति देख रहे हैं, आत्मा की प्योरिटी चेक कर रहे हैं, तो मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, प्योर लव, क्योंकि रूहानी प्यार है ना, निस्वार्थ है ना, तो वो पवित्र है। पवित्र स्नेह के संबंध है, पवित्र जीवन की पवित्र वृष्टि दृष्टि की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। हम सबके चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है, वाइब्रेशन की एक एनर्जी फील्ड होती है। वो वाइब्रेशन की जो एनर्जी फील्ड होती है, वो जो लाइट होती है चारों तरफ, वो किस आधार पर होती है? आत्मा की स्थिति। तो आत्मा जितना पवित्र बनती जाती है, तो चारों तरफ का जो लाइट होती है वो वाइट की तरफ जाती है, प्योर लाइट हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं सभी के ऊपर पवित्रता के संबंध, पवित्र जीवन की दृष्टि वृत्ति की निशानी लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता, वर्तमान समय हम संगम युग पर हैं। कलयुग और सतयुग के बीच ये जो छोटा सा समय आता है, जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है, तो श्रेष्ठ स्थिति वाले बच्चों को बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता की निशानी ये लाइट का ताज, लाइट का ऑरा, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान मिला, ज्ञान मिला, शक्ति मिली, पवित्रता मिली, ज्ञान को धारण करते गए, पवित्रता बढ़ती गई, और जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है, वो लाइट के ताज की चमक बढ़ती जाती है। महान आत्मा परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। तो बाबा अब हमें खुद को चेक करने के लिए कह रहे हैं, चेक करें कि महान आत्मा परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा, अपने ताज को, लाइट के ताज को चेक करें कि क्या हम ऐसे ताजधारी बने हैं। बाप दादा व मात पिता हरेक बच्चों को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं। इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करते हैं, परमात्मा मिला, ज्ञान मिला, और सबसे पहला वरदान क्या मिला? पवित्र भव। जब वरदान मिलता है, वरदान का अर्थ क्या होता है? वरदान अर्थात सहज, अपने आप वो अपने जीवन में धारण हो जाता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो वरदान है, शिक्षा नहीं, वरदान है। एक होती है शिक्षा को हम लेते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसको अपना संस्कार बनाते हैं, लेकिन एक है वरदान मिला है। तो हमें रोज अपने आप को ये याद दिलाना है,
भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है, पवित्र भव। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ये जीवन का फाउंडेशन ही प्योरिटी है। प्योरिटी नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन नहीं, अर्थात वो हाई वाइब्रेशन, वो स्टेज जिस पर हमें पहुंचना है, वो नहीं हो सकती है जब तक पवित्रता नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। तो जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो शुरू में जो पहले बहनें आई, भाई आए, जो आज हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े हैं, तो जब वो शुरू शुरू में आए, नई बात थी पवित्रता की धारणा। तो बाबा कहते हैं सबको सब बात अच्छी लगती थी, लेकिन उनके परिवार वालों को पवित्रता की बात पर ही, तो उस बात पर ही विघ्न पड़े। तो बाबा कहते शुरू से पवित्रता पर ही तो विघ्न पड़ते आए हैं, लेकिन 21 जन्मों का फाउंडेशन इस समय जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो एक जन्म नहीं 21 जन्मों की तैयारी हो रही है, उसका फाउंडेशन, सत्युगी सृष्टि का फाउंडेशन, सत्युगी स्थिति का फाउंडेशन पवित्रता ही है। तो अगर कोई पूछे कि पवित्रता क्यों यहाँ धारण करनी पड़ती है, वो सत्युगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो जो सत्युग में होगा वो हमें संगम युग में यहाँ बनाना है। सत्योगी सृष्टि, सत्योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, 16 कला संपूर्ण आत्माएं, तो वो पवित्रता के संस्कार आत्मा को यहाँ भरने हैं अभी अपने अंदर। तो ये पवित्रता 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। उड़ती कला अर्थात आत्मा की स्थिति ऊपर 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 उड़ती जाए, धीरे धीरे नहीं ऊपर जाए, चलती हुई नहीं जाए, भागती हुई भी नहीं जाए। बाबा कहते हैं उड़ती कला मतलब उड़ते हुए ऊपर की स्थिति में पहुंचना है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई गई है, कहते ना कर्मों की गति अति गोह्य है, अति गोह्य मतलब बहुत डीप है। बात सिंपल है, जैसा कर्म वैसा फल, सिंपल बात है, लेकिन वो बहुत डीप है कि कैसे कैसे हमारा एक एक कर्म, उसकी क्या क्वालिटी है, फिर उसका क्या परिणाम है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो कर्मों की गति अति गहन गाई गई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गोह्य है। अंडरलाइन है। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बाबा कहते हैं पवित्रता की परिभाषा मतलब मीनिंग ऑफ प्योरिटी भी अति गोह्य है, बहुत डीप है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। अंडरलाइन, माया, कमजोरियां, विकार, पुरानी आदतें, दुख, अशांति, सारी चीजें जो नेगेटिव है वो माया है। तो माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया प्रोटेक्शन प्योरिटी है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। अंडरलाइन अगेन, सुख शांति की जननी। दुनिया आज सुख शांति ढूंढ रही है, और जितना ढूंढ रहे हैं उतना ही दुनिया में दुख और अशांति बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ढूंढ कहाँ रहे हैं। सुख शांति की जननी अर्थात सुख शांति को जन्म देने वाली चीज क्या है? पवित्रता। जहां पवित्रता नहीं वहां सुख शांति संभव नहीं सदा काल के लिए। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। डबल डबल अंडरलाइन, किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है।
अब अपने आप को चेक कर लेना है। बाबा कह रहे हैं तो सारा दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, अब चेक। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, कभी भी थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है, नाराज हो सकता है, उदास हो सकता है, ज्यादा सोच रहा होता है, कोई बात बार बार मन पर आ रही होती है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, चाहे वो छोटा सा भी अंदर एक डिस्टर्बेंस है, तो बाबा कह रहे हैं उसका कारण क्या है, अपवित्रता, इम्प्योरिटी, दुख अशांति, प्योरिटी सुख शांति। ये इक्वेशन फिट करके रख लेनी है कि जहां थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब हुआ, कोई इम्प्योरिटी थी, उससे इजी हो जाता है कि दुख अशांति कुछ भी डिस्टर्बेंस अनुभव हुआ, रिवाइंड चेक करना है, मेरी थॉट्स क्या थी, इसमें क्या मेरा इंटेंशन था, क्या इम्प्योरिटी थी, वो इम्प्योरिटी मिलेगी उसको चेंज करेंगे, माइंड अपने आप ठीक हो जाएगा, आत्मा अपने आप उस स्थिरता की स्थिति पर पहुंच जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं सारा दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है, चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, मतलब चाहे कोई बहुत बड़ा विकार आपको अनुभव हो, गुस्सा जोर से आ जाए, ईर्ष्या हो जाए, किसी की ग्लानी करते हैं, किसी को कुछ गलत बोलते हैं, ये तो मोटा मोटा विकार है ना, तो चाहे मुख्य विकार चाहे सूक्ष्म, कुछ सकल है, किसी को बाहर दिखाई नहीं देगा, हमें खुद को नहीं दिखाई दे रहा कभी, ये सकल है तो सूक्ष्म रूप के कारण हो, लेकिन पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं, लिख के रख ले इस इक्वेशन को, पवित्र जीवन, हम कहते हैं हमारी जीवन पवित्र है, बाबा कह रहे हैं पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। तो जब तक दुख अशांति कुछ भी थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपवित्रता है, तो उसको ढूंढना है, ढूंढना है कौन सी इम्प्योरिटी है, सब कुछ समझ में आ गया है, डायरेक्ट भगवान से ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है, सब कुछ पता है कौन सी इम्प्योरिटी है मेरे जीवन में, वो चेक करना है, क्योंकि जब तक वो इम्प्योरिटी जाएगी नहीं, आत्मा की स्थिति स्थिर और शक्तिशाली बनेगी नहीं, इसलिए चेक करना है अपने आप को, आज बहुत सटल चेकिंग करनी है कौन सी इम्प्योरिटी है। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ वरदानी जीवन, पवित्र भव, वरदान मिला तो पवित्र जीवन, वरदानी जीवन। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। अंडरलाइन एंड चेंज आज इस वोकैबुलरी को, इस सोचने के तरीके को, इस भाषा को, चाहे मन में चाहे मुख से, बाबा कह रहे ये खत्म करना है कि इस बात के कारण, इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल बोल भी देते हो या अनुभव करते हो, ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? सारी दुनिया कह रही है ये बात, इस बात के कारण मेरा मन परेशान है, इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हुआ या गुस्सा आया,
तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है? दुनिया में जब हमें ज्ञान नहीं था पहले, तो आत्मा की स्थिति कमजोर थी। अब इस इक्वेशन को बहुत क्लियर सेट करना है। जब आत्मा की स्थिति कम होती है, तो आत्मा किसी भी बात से या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति कम होती है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो थोड़ा भी कुछ बाहर परिवर्तन होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। शरीर के अंदर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको फाइट करने के, हेल्दी रहने के, लेकिन जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो कोई भी चीज का प्रभाव पड़ता है। फिर इम्यूनिटी सिस्टम अगर और कमजोर हो जाता है, तो बस थोड़ा सा हवा बदली, थोड़ा सा कुछ खा लिया अलग, थोड़ा सा पानी, तो अफेक्ट हो जाता है। सेम आत्मा के साथ ये भी एक इम्यूनिटी सिस्टम है। हमारा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम चेक करना है अपना इम्यूनिटी सिस्टम। पहले किसी की बात, किसी का व्यवहार, कोई सिचुएशन आती, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते, नाराज हो जाते, निंदा कर देते, कुछ भी होता, डिस्टर्बेंस ही थे। और इस समय की स्थिति तो ऐसी हो गई है, कुछ बात ही नहीं है तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने ऐसे देखा तो अपसेट हो जाते हैं, अर्थात स्थिति और डाउन हुई है। अब बाबा अपने बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं कि हमें इतना ज्ञान मिला, आत्मा को हमने भरपूर किया, तो हमारी वाइब्रेशन क्या होती गई? ऊपर गई। सिचुएशन और व्यक्ति कहाँ है? उसकी वाइब्रेशन नीचे है, राइट? नीचे है अर्थात कोई मुश्किल सिचुएशन है, लो वाइब्रेशन है। कोई व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है, लो वाइब्रेशन है। कुछ मेरे अनुसार नहीं है, लो वाइब्रेशन है। लेकिन हमारी स्थिति कहाँ है? यहाँ। तो उसका व्यवहार, उसकी बात, वो हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। लोअर वाइब्रेशन कभी हायर वाइब्रेशन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। हायर वाइब्रेशन का प्रभाव लोअर वाइब्रेशन पर पड़ता है। लेकिन अगर वो लोअर वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि इस बात की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से, तो हमें चेक करना है कि हमारी स्थिति उस समय डाउन है। इसलिए तो लोअर वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ा ना। तो बाबा कहता है, बाबा के बच्चे, ये भाषा, ये शब्द संकल्प में भी नहीं, बोल पर तो बिल्कुल नहीं, कि इसकी वजह से, इनकी वजह से मेरा मन डिस्टर्ब्ड है। हाईएस्ट वाइब्रेशन हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रभाव पड़ना है? सिर्फ परमात्मा का प्रभाव। जिस आत्मा के ऊपर सिर्फ परमात्मा का प्रभाव पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होगी, तो उसके ऊपर किसी और चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसका प्रभाव और उसके द्वारा परमात्मा का प्रभाव हर एक पर पड़ना है। तो एनर्जी की इक्वेशन बहुत क्लियर रखनी है कि किसी की वाइब्रेशन हम पर असर नहीं करेगी, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन हमारे द्वारा परमात्मा की वाइब्रेशन उन पर प्रभाव डालकर उनको भी शक्ति दे देगी, उन्हें भी शांत कर देगी। तो आज से ये अंडरलाइन कि हम ये ना सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं कि किसी बात के कारण या किसी व्यक्ति के कारण मुझे दुख हुआ। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, हर सेकंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां दुख के नजारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान, दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदाने बन, सुख शांति की अंचलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसको ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। बहुत क्लियर है एकदम, बहुत क्लियर है। अगर हमारी स्थिति डाउन, तो परिस्थिति और व्यक्ति का प्रभाव हम पर पड़ जाएगा, लेकिन
जहां पवित्रता की शक्ति है। बाबा कह रहे हैं वहां दुख के नजारे में भी, मतलब परिस्थिति मुश्किल होगी, लेकिन दुख के नजारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। यहाँ की वाइब्रेशन यहाँ पर असर नहीं डालेगी, दुख के नजारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान। हमारी स्थिति कहाँ होगी? बाबा के समीप, बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान को यूज करते हुए। बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता, तो उसके समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। तो सारा दिन में ये चेकिंग करनी है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन है, या तो परिस्थिति और व्यक्ति की वजह से हम डिस्टर्ब होंगे, मतलब एनर्जी कहाँ गई? उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन का हम पर असर पड़ा। या तो हम स्थिर रहे, बाबा से कनेक्टेड रहे, बाबा के ज्ञान को यूज कर रहे हैं और हमारे द्वारा बाबा की वाइब्रेशन, बाबा की शक्ति का प्रभाव उन पर। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर हम डिस्टर्ब हुए, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम डिस्टर्ब हुए तो सिर्फ हमारी स्थिति डाउन नहीं होती है, हमारे द्वारा बाबा की शक्ति उनको मिलकर उनकी स्थिति जो ठीक हो सकती थी वो होने से भी वंचित रह जाती है। अर्थात हम उनको जो दे सकते थे वो भी हम नहीं दे पाते, क्योंकि हम खुद ही उनके वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर डिस्टर्ब हो गए। तो ये दोनों एनर्जी इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं, बाबा का प्रभाव मुझ पर, और मेरे से बाबा का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव उन पर। तो बाबा कह रहे हैं वरदानी बन सुख शांति की अंचली देंगे, मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसको ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो देवी देवताओं के लिए गायन है ना, देवी देवताओं की महिमा करते हैं, उनसे पूजा करते हैं, तो कहते हैं दुख हरता सुख करता, हमारे दुख हरो सुख दो। तो फिर वो देव आत्माओं ने क्या करना है, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। जब साइंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त कर सकती है तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है? साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है? तो साइंस की शक्ति दवाई है और पवित्रता की शक्ति दुआ है। तो अगर दवाई अल्पकाल के लिए दुख दर्द खत्म कर सकती है तो दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है? समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग हो जाएंगे, बाबा आने वाले समय का सीन दिखा रहे हैं। समय प्रमाण, जब लोग दवाइयों से कारणे अकारणे तंग हो जाएंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। दवाई की शक्ति असर नहीं करेगी, आत्माओं में ताकत नहीं होगी, क्योंकि दवा भी शरीर पर तब असर करती है ना जब स्थिति ठीक हो। हम सब देखते हैं ना, अलग अलग मरीज, डॉक्टर एक है, दवा भी एक है, लेकिन अलग अलग मरीज पर उसका असर अलग अलग होता है। कोई जल्दी ठीक होता है,
किसी को टाइम लगता है, किसी पर दवा असर नहीं कर रही होती है क्योंकि मन की शक्ति बहुत डाउन होती है। तो बाबा कहते हैं आने वाला समय ऐसा होगा जब इतना दुख दर्द हो जाएगा ना, तो वो दवा भी शरीर पर असर नहीं कर रही होगी, तो वो आपके पास दुआ के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। हमें लगता है साइंस में कितनी शक्ति है, साइंस तो कुछ भी कर सकती है। बाबा कह रहे हैं पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये थोड़े समय के शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। तो बाबा कह रहे हमें आत्माओं को अपने अंदर इतनी प्योरिटी भरनी है कि सिर्फ हमारे जीवन में अनेक आत्माओं के जीवन से दुख अशांति समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स जो फिजिकल हेल्थ को ठीक करते हैं, जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है, ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी, समय ऐसा आ जाएगा जो बाबा कह रहे हैं ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये होने वाला है, होता हुआ दिखाई भी देता है। तो बाबा कह रहे हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में स्थान नहीं होगा, रोगियों की क्यू लगी होगी, लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लोगों के पास ही क्यू लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने भगवान को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, मंदिरों में जाकर लंबी क्यू लगती है, तो बाबा कहते हैं परमात्मा और देवी देवताओं के सामने क्यू लगती है तो क्या कहते हैं, ओ दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो कि मांगने के लिए आएंगे। बाबा कह रहे हैं मंदिर में जड़ चित्रों के सामने, देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दया और दुआ मांगते हैं। ऐसे ही आप चैतन्य देव आत्माएं, पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं, आपके सामने क्यों लगेगी, ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितना भटकते रहते हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। आज की दुनिया में भी बहुत आत्माएं हैं जिनके पास सिद्धि है, सिद्धि है तो सिद्धि एक शक्ति होती है, वो सिद्धि है कि उनके पास जो जाता है वो ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, उसका दुख खत्म हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये अल्पकाल की सिद्धि वाले, इनके पास भी कितनी शफा है कि सुख शांति की दया लेने के लिए उनके पास कितनी दूर दूर से जाते हैं। हम बच्चे, हम किस आधार पर चल रहे हैं,
परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। अर्थात परमात्मा जो हमें विधि सिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। जो बाबा कहते जाएं हम उसको संपूर्ण रीति फॉलो करें, संपूर्ण रीति एक्यूरेट फॉलो करें। परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनना है। तो बाबा कह रहे हैं आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो, जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। अल्पकाल शॉर्ट टर्म, ये सदा नहीं चल सकती है। ये भी गोल्डन एजेड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सृष्टि चक्र को हर समय बुद्धि में रखना है। सत्युग त्रेता युग में दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं द्वापर युग से परम धाम से पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आती हैं, जो परमात्मा का परिचय देती हैं, अनेक आत्माओं को सुख शांति देती हैं, धर्म स्थापन हो जाते हैं। लेकिन वो द्वापर युग के शुरू से होता है। अब कौन सा समय चल रहा है? अब कलयुग का भी अंतिम समय चल रहा है, लेकिन द्वापर युग से कलयुग के अंत तक सृष्टि पर विशेष पवित्र आत्माएं आती जाती हैं, जिनके पास पवित्रता का बल होता है, क्योंकि वो परम धाम से सीधा आत्मा सृष्टि पर आई है। और दूसरा बाबा कह रहे हैं ड्रामा में उनका पार्ट होता है। वो कौन सा पार्ट होता है? पवित्रता के बल से सृष्टि को थमाना, आत्माओं के अंदर शक्ति भरना, वो सिद्धि उनके पास होती है। तो ये गोल्डन एजेड आत्माएं अर्थात पवित्रता की शक्ति से अभी अभी परम धाम से सृष्टि पर आती है, तो वो आत्मा की सतो प्रधान स्थिति होती है, पवित्र स्थिति होती है। ये गोल्डन एजेड आत्माओं को अर्थात लास्ट से ऊपर से आई हुई आत्मा पवित्रता मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण, ड्रामा में उनका वो रोल है, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें लगता है ना, कैसे ये कर पाते हैं? कैसे इनके पास लोग जाते हैं और उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, उनके दुख खत्म हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ये कैसे होता है? तो बाबा एक्सप्लेन करता है, आत्मा परम धाम से आई है, पवित्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामा में उसका वो पार्ट है। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है हर आत्मा। ये भी बाबा ने हमें समझाया, हर आत्मा को सतो प्रधान सतो रजो तमो चार स्टेजेस से क्रॉस करना होता है, चाहे वो द्वापर युग से कलयुग के अंत तक अर्थात 2500 वर्ष में चार स्टेजेस क्रॉस करे, चाहे वो आत्मा सृष्टि पर एक जन्म के लिए आए और एक जन्म के अंदर चार स्टेजेस को क्रॉस करे। लेकिन हर आत्मा चार स्टेजेस को क्रॉस करती है। तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं पवित्र अभी आती हैं सृष्टि पर, उनके पास सिद्धि होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, वो उस आत्मा की अपनी सिद्धि है। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहां ना कहां स्वार्थ
व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। ये अंडरलाइन है और हमें अटेंशन रखना है। परमात्म विधि से सिद्धि मिल रही है, ध्यान रखें, स्वार्थ व अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो सिद्धि समाप्त हो जाती है। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए हैं, और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। हाँ, तो कई बार सेंटर पे आते हैं ना भाई बहने, कहते हमारा ये काम ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारी ये तबीयत ठीक हो जाए। बाबा कहते यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है, ये चमत्कार वाली जगह नहीं है। यहाँ एक ही चमत्कार होता है, और वो चमत्कार है कि अपवित्र आत्मा पवित्र सत्युगी आत्मा बननी शुरू हो जाती है। इससे बड़ा चमत्कार तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब तो इस दुनिया की छोटी छोटी बातों के चमत्कार हैं, लेकिन तमो प्रधान आत्मा, विकारों के वशीभूत आत्मा, सत्युगी पवित्र देव आत्मा बननी शुरू हो जाती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो बाबा कहते हैं उनको चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सभी सहारे थोड़े समय के लिए हैं, इसके बाद आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, मतलब लोग तो आएंगे अंजलि लेने, लेकिन हमें अपनी चेकिंग करनी है। इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, या अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो? मांगने वाले नहीं, बाबा हमें देने वाले बना रहा है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अति एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी मिलावट नहीं, कोई मिक्स चैरिटी नहीं, कोई मनमत नहीं, बाबा की हर डायरेक्शन को एक्यूरेट फॉलो करने वाले। तो इतनी पवित्रता की शक्ति, ऐसी आत्मा बने हो कि सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो। इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, या अपने लिए ही अभी तक दुआएं मांगते रहते हो? कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाबा से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, देव आत्माएं अभी से बनो, अंडरलाइन। सत्युग में देव आत्माएं बनेंगे नहीं, वो सत्युगी देव आत्माओं के संस्कार, वो सत्युगी देव आत्माओं की पवित्रता, वो तो अभी से अपने अंदर भरनी है। तो पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी, बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से,
सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन सुख शांति की जननी पवित्रता है। कहाँ कहाँ? संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो ये कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं। कायदा मतलब नियम रखा होगा ना कि कितनों को आना चाहिए, वो कायदे का बांध तोड़कर ज्यादा भाई बहने आ गए हैं। फिर भी कायदे में फायदा तो है ही, भगवान बहुत सफल इशारा दे देता है। हम कायदे तोड़ देते हैं, बाबा कहते हैं कायदे में फायदा तो है ही, जो कायदे से आते हैं उन्हों को ज्यादा मिलता है। अंदर कायदे से जो आते हैं, श्रीमत पर जो चलते हैं, आज्ञा का जो पालन करते हैं, उनको ज्यादा मिलता है। जो कायदे से आते हैं उन्हों को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। कायदा तोड़ा है, कायदा तोड़ा है, तो बाबा कहते समय प्रमाण फिर उतना ही मिलेगा। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। बंधन मुक्त परमात्मा को कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो बंधन में आ जाता है, हमारी सृष्टि पर आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद है। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया। हॉस्टल की कुमारियों से, इंदौर में हॉस्टल है जहाँ कन्याएं रहती हैं, और वो कन्याएं ज्ञान योग धारणा सेवा परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए और फिर स्कूल और कॉलेज जाकर वहां से पढ़ाई भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना, कोई अशुद्धता तो नहीं, चेकिंग है। तो कन्या है, पवित्र है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ भी कोई अशुद्धता तो नहीं। सदा आपस में एकमत, तो सभी कन्याएं इकट्ठी रहती है ना, तो बाबा कह रहे हैं सदा आपस में, ये हम सबके लिए है कि सदा आपस में एकमत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना। संस्कार मिलाने आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। अंडरलाइन, संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करो। तो पवित्रता की परिभाषा, संस्कारों की कभी टक्कर नहीं होनी चाहिए, संस्कार मिलन की रास करते जाओ। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना, कभी कोई मन से रोता तो नहीं है,
निर्मोही हो, क्योंकि अपने लौकिक माता पिता को छोड़कर आते हैं ना हॉस्टल में रहने के लिए, निर्मोही अर्थात यहाँ पर स्थिति कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, कभी नहीं। कभी लौकिक परिवार याद आता है, दोनों पढ़ाई में होशियार हो। देखो भगवान सिर्फ ज्ञान योग की पढ़ाई की बात नहीं करता, कहता है दूसरी पढ़ाई में भी होशियार होना है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर वन रहना है, ये हम सबके लिए है। जो हम कार्य कर रहे हैं, एक है हमारा पुरुषार्थ, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मिक उन्नति के लिए। दूसरा जो हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं उसमें भी नंबर वन, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर वन रहना है। जैसे बाप वन है, ऐसे बच्चे भी नंबर वन हैं, सबसे नंबर वन। ऐसे बच्चे सदा बाप को प्रिय हैं। समझा? नंबर वन अर्थात जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी हमारी कार्य करने की कैपेसिटी, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो लौकिक काम है, वो कैपेसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, तो नंबर वन बनते जाएंगे। समझा? अच्छा, पाठियों से बाबा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो, घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना ये कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। अविनाशी प्राप्ति का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कभी बहुत सुखी है, बहुत आनंद में है, बहुत खुश है और थोड़ी देर बाद ऐसे। तो बाबा कहते हैं अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो, हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। अपना भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। सदा वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। ये मन के गीत हैं, जितना ये गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कौन सा गीत? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। चाहे मुश्किल कितनी भी आ रही हो जीवन के अंदर, कितनी भी मुश्किल आ रही हो, चाहे शरीर में कोई बीमारी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे कोई बातें आ रही हो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। क्यों श्रेष्ठ भाग्य? भगवान मिल गया है, भगवान के द्वारा सब कुछ मिल गया है, तो इस कलयुग के अंत पर जो परिस्थिति आएगी उसको सामना करने की शक्ति तो उसने दे ही दी है, ज्ञान भी दे दिया है। तो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य ये गीत गाते रहो। जितना ये गीत गाएंगे उतना सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है, इसलिए स्लोगन भी है अब नहीं तो कब नहीं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। हर कार्य में हर समय ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। ये अंडरलाइन, हर समय हर कार्य करते हुए, सोचते हुए, बोलते हुए, व्यवहार करते हुए, काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सेवा करते हुए याद रहे कि एक भी थॉट इधर उधर, एक भी बोल नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे। अंडरलाइन, जिसको ये स्मृति में रहता है, हर कार्य में हर समय ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय,
संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। कैसे चेक होगा वेस्ट हो रहा है या जमा हो रहा है? हर संकल्प बोल और कर्म वो हो जिससे आत्मिक शक्ति बढ़े, आत्मिक शक्ति घटे नहीं। किसी चीज व्यक्ति परिस्थिति की तरफ लगाव गया, शक्ति घटी। निमित रोल प्ले किया लेकिन बुद्धि सिर्फ उधर, यहाँ से किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ की कोई आकर्षण नहीं है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आत्मिक स्थिति बढ़ती जानी चाहिए। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देता है। अंडरलाइन, हम कहते मैंने आज सारा दिन में कोई गलत काम नहीं किया है, बाबा कह रहे हैं विकर्म की तो बात ही नहीं है। बाबा के बच्चे बने, इतना ज्ञान समझ में आया, कर्मों की गति समझ में आई, अब विकर्म की बात क्यों होगी? तो विकर्म की तो बात ही नहीं, व्यर्थ कर्म भी धोखा देता है। वेस्ट, समय, संकल्प, कर्म, वेस्ट, ये भी धोखा देता है। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना, जमा का खाता सदा भरता रहे, जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। इस समय इतने व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म हो रहे हैं दुनिया में कि इस समय के लिए भी अपना जमा नहीं कर पा रहे हैं, अभी के लिए भी नहीं कर पाते सुख शांति। और बाबा कहते हैं आपको इतना समर्थ चलना है कि 21 जन्मों के लिए जमा करना है, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं वेस्ट करना? तो बाबा कह रहे विकर्म की बात नहीं है, विकर्म नहीं करते हो लेकिन व्यर्थ, तो आज व्यर्थ पर चेकिंग करनी है, विकर्म पर नहीं। बाबा कहते विकर्म तो पूरा हुआ, व्यर्थ की चेकिंग करनी चाहिए। हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता गवाना नहीं है। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पर और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। चेकिंग, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं फोन पर, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ही बातें करते रहते हैं इधर उधर की, एक घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है, ना उसमें ज्ञान है, ना उसमें योग है, ना उसमें सेवा की बात है, ऐसे ही बीत गया टाइम। तो बाबा कहते हैं चेक करो, इधर उधर की बातें, दुनिया की बातें, दुनिया में ये हो रहा है, मेरे काम में, ये सब कुछ नहीं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाबा, ये हमारे संकल्प में, समय में, कर्म में, सिर्फ ये होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएंगे। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ न जाए। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बच्चे आए हुए हैं, चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से ये स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। ज्ञान का धन जब आत्मा में भर जाता है तो स्थूल धन की साहूकारी अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है? बाबा कहते दाल रोटी मिलने जितना तो मिल ही जाता है, क्यों आ जाती है? आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, जीवन पवित्र बन जाता है। जो धन पहले व्यर्थ जा रहा था, इच्छाएं खत्म नहीं होती थी, ये भी खरीदना है, ये भी चाहिए, आज ये है, मुझे नए कपड़े चाहिए, आज मुझे यहाँ खाना खाने जाना है, आज मुझे ये लेना है, आज मुझे उसको ये देना है, कितने खर्चे। पवित्र जीवन बनी, आत्मा संतुष्ट बनी, ये सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं।
जब ये सारे खर्चे ही खत्म हो जाते हैं, इवन अगर हम जो धन कमा रहे हैं वो नहीं बढ़ा लेकिन खर्चे ही खत्म हो गए, आत्मा के अंदर सरलता, सहजता, तो जीवन में सादगी आ जाती है। जब जीवन में सादगी आ जाएगी तो साहूकार तो अपने आप बन जाएंगे। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है क्या? तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हो। यहाँ समझदार बन जाते हैं, धन को सही विधि से कमाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, धन को सही विधि से कमाते हैं। धन कमाने के तरीके में कभी गफलत नहीं करनी। अगर धन गलत तरीके से आता है तो धन गलत तरीके से जाता है। अगर धन श्रीमत अनुसार आएगा तो वो धन हमेशा वृद्धि को पाएगा। तो बाबा कहते समझदार बन गए हो ना, पहले धन कमाते कैसे हो इस बात की समझ, फिर धन का उपयोग कैसे करते हो इस बात की समझ, फिर धन को जमा कैसे करते हो इस बात की समझ। कर्मों की गति से समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। डबल साहूकारी, ज्ञान धन से भी साहूकार और स्थूल धन से भी साहूकार। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा, दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए, और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, अब बाबा कह रहे चेक करो, जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितना रॉयल हो गए हो। हर एक अपनी चेकिंग करे, पहले का रहन सहन, पहनना चलना खाना, अब कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो, पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए हो। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना, सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी देखो तो फर्क का पता चलेगा। हाँ, पहले की शक्ल और अकल, क्योंकि जैसी अकल होगी वैसी ही शक्ल होगी। तो पहले की शक्ल और अकल देखो और अभी देखो तो फर्क पता चलेगा। अभी रूहानियत की झलक आ गई है, है ना? हम सब फील करते हैं ना, अभी रूहानियत की झलक आ गई है, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हो, वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इस भारत देश के हैं, डबल विदेशी, भले विदेश में कहाँ कहाँ अनेक देशों में रह रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हो तो भारत के ना, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, सत्युग से लेकर अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, ये तो सेवा के लिए अनेक स्थान पर पहुंचे हो, इसलिए ये निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितना भी नजदीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली हो, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसा नहीं लगेगा। तो विदेश से कितने लोग देश में आते हैं ना, भारत में आते हैं, बहुत आते जाते रहते हैं। कईयों को तो अपने काम और रोल की वजह से विदेश से देश में, भारत में शिफ्ट होना पड़ता है, यहाँ रहते हैं, बाबा के तो बहुत समीप होते हैं, संपर्क में आते हैं, लेकिन वो जो अपनापन होता है वो उनको नहीं महसूस होता है। क्यों नहीं होता है? जितनी नजदीक वाली आत्मा होगी उतना अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी। अर्थात जो भारतवासी होंगे, पिछले जन्मों में भारत में रहे होंगे, उनको यहाँ आकर लगेगा हम यहाँ के हैं। जितने नजदीक की आत्मा होगी उतने अपनेपन की सदा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा मैं था या मैं हो सकता हूँ कि मैं भारत में था, हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्रिय लगेगी,
जैसे कोई अपनी चीज होती है, अपनी चीज सदा प्यारी लगती है। तो ये निशानियां हैं, बाबा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है। दूर रहते हैं डिस्टेंस वाइज, लेकिन सदा समीप दिल के नजदीक है। अच्छा, आज का वरदान, युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। कौन सा युद्ध चल रहा है? अपने पुराने संस्कारों के साथ युद्ध, अपनी कमजोरियों के साथ युद्ध। तो बाबा कहते हैं उस युद्ध में कभी पीछे नहीं हटना। पीछे हटना मतलब हार जाना, मतलब फिर उस संस्कार के वश हो जाना। बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले, हाँ, जो देश की सेना होती है उसमें जो युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरना व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है। हाँ, कब तक अपने साथ युद्ध करते रहे, ये तो पूरा जीवन चलना है ऐसा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष के प्रारब्ध के हिसाब से ये 1 सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। कितनी इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें जिंदगी की बात लगती है, बाबा कहते 5000 वर्ष के प्रारब्ध के हिसाब से तो ये 1 सेकंड की बात है। तो बाप की याद से और साथ से सदा विजय का अनुभव करो। आज का स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। निराश कभी नहीं होना और निश्चय कभी नहीं टूटना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अपने अंदर, बाबा के अंदर, परिवार के अंदर, ड्रामा के अंदर, किसी में निश्चय हिलना नहीं चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। तो आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अच्छा, तो आज की मुरली, पवित्रता की गुह्यता चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे हैं पवित्रता की शक्ति से, पवित्रता की दृष्टि वृत्ति, परमात्म विधि से चलने वाले ऐसी सिद्धि को प्राप्त करेंगे कि अनेक आत्माओं को सुख शांति की शक्ति मिल जाएगी। हर एक को वो अंजलि देनी है, लेकिन उसके लिए अपनी पवित्रता की चेकिंग। और आज बाबा ने चेकिंग का आधार बता दिया है, संकल्प, समय, कर्म वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, कायदे से चलना चाहिए, प्योरिटी। तो चेक करते जाएं, कोई ऐसा संकल्प, बोल, कर्म ना हो जो परमात्म श्रीमत, परमात्म विधि के अनुसार नहीं हो। बाबा का वायदा है, बाबा का वायदा है, हम एक्यूरेट चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा ने कहा विजय निश्चित है, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन बाबा हमें यूज करके हमारे द्वारा अनेकों को ये विजय भव का वरदान, पवित्र भव का वरदान एंड सुख शांति की अंजलि बाबा हमें यूज करके अनेक आत्माओं को दिलाए, उसके लिए हमें अपनी पवित्रता की शक्ति